दोस्तों आप में से बहुत सारे बंदे अभी गेमिंग माउस लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोगों के सामने दो डिफ़िकल्टीज पेश आते हैं, मतलब सामने आते हैं। जो सबसे पहला डिफ़िकल्टी है वो ये है कि आप ऑफलाइन एरिया में, मतलब ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं और पता करते हैं माउस के बारे में, तो पता चलता है कि भाई जो आप पसंद, जो आपके पसंद के माउस है वो आपको मिल नहीं रहे हैं, और जो मतलब लोकल ब्रांड है वो आपको मतलब मिल रहा है, तो आपको वो लेना नहीं है और उसके बारे में आपको कुछ खास नॉलेज भी नहीं है, तो आप उसके साथ जा नहीं सकते। तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि जो ऑनलाइन मार्केट है, तो ऑनलाइन मार्केट में आप सबसे पहले तो जाते हैं ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे, जैसे कि हो गया आपका फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन। तो अब यहाँ पे जाने के बाद आपको जैसे अपना पसंद का आप कुछ गेमिंग माउस लेना चाहते हैं, जैसे कि रेड गियर हो गया, फिर रेड ड्रैगन हो गया, HP हो गया, या फिर कॉर्सियर हो गया, लॉजिटेक हो गया, बट लेकिन इन सब ब्रांड्स के जो माउस हैं वो बजट माउस, जो बजट सेगमेंट के माउस है वो आपको मतलब स्टॉक में मिलते नहीं हैं। मतलब जितने भी वो हाई लेवल हाई एंड के होते हैं माउस, वो तो आपको स्टॉक में मिल जाते हैं, यानी कि 3,000, 4,000, 5,000 के जो माउस होते हैं वो तो स्टॉक में मिल जाते हैं। बट जो आप अपने बजट माउस देखने जाते हो, जैसे कि A20 या फिर रेड गियर X12 प्रो, और भी ऐसे बहुत सारे माउस है जो गेमिंग माउस है जो आप बजट सेगमेंट में आते हैं, बट लेकिन आप उनको जब सर्च करते हैं तो पता चलता है कि आउट ऑफ स्टॉक, ये बहुत रेयरली पॉसिबल होता है जो ये अवेलेबल होते हैं। बट लेकिन आपके सामने बहुत सारे मतलब ट्रस्टेड वेबसाइट, ट्रस्टेड मतलब मार्केट में आपको पता चलता है कि कुछ ऐसे न्यू ब्रांड हैं, बट लेकिन हाँ वो अभी भी मतलब कुछ अपना नाम बनाने के चक्कर में अच्छे क्वालिटी के, बिल्ड क्वालिटी या फिर अच्छे माउस प्रोवाइड करते हैं, गेमिंग माउस। तो आज मैं आपको उन्हीं में से एक माउस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों इस माउस का नाम है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय G40 सीरीज, और ये एक बजट सेगमेंट में बहुत ही अच्छा गेमिंग माउस है, बहुत ही कमाल का गेमिंग माउस है। अभी कुछ 2-3-4 महीनों में ये बहुत ही रिनाउंड हो चुका है। और चलिए मैं इस माउस के बारे में कुछ प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ कि आपको ये माउस लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, और इसकी जो बजट है, इस बजट सेगमेंट में या इस बजट रेंज में आप और भी कोई माउस की तरफ जा सकते हैं, या फिर इन्हीं इसको लेने में आपके मतलब फ़ायदा रहेगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात मैं करता हूँ, ये जो माउस है ये माउस फुल्ली RGB माउस है पहली बात तो, बट लेकिन हाँ इसका जो ये प्रो है आप RGB है, बट लेकिन हाँ ये इसके कॉन्स भी हैं कि आप इस RGB को कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई चीज़ से भी आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो मदरबोर्ड हो या फिर आपके फ़ोन के वाईफाई या फिर कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू आप इसे RGB को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसकी खुद की एक ब्रीदिंग स्टाइल है जो आप देख सकते हैं अभी, ये जो ब्रीदिंग स्टाइल है ये बहुत ही कमाल का ब्रीदिंग स्टाइल, आप देखेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, ख़राब नहीं लगेगा। ये एक बजट माउस के अंदर में इतना RGB मिल गया है, ये बहुत ही कमाल की बात है। और दूसरी बात मैं इसकी बात करूँ जो प्रोज है इसका, कि ये इसकी जो केबल है वो ब्रेडेड केबल है, यानी कि इसके ऊपर एक कोटिंग किया गया है थ्रेड का, जिसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल माउस हो जा ड्यूरेबल वायर हो जाता है इसका। ये मतलब आपके जो नॉर्मली घर में अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आप एक बजट कंप्यूटर मतलब आप बिल्ड किए हैं, तो नॉर्मली है कि आप अपना माउस का जो वायर है वो कंप्यूटर टेबल के पीछे लटकाते होंगे, और अगर आपके घर में कोई माउस रहता है, यानी कि मैं उस माउस की बात कर रहा हूँ, चूहा की बात कर रहा हूँ मैं, वो माउस अगर है तो मतलब आपके लिए, अगर आप कोई आप नॉर्मल वायर लेते हैं तो आपके लिए वहाँ पे टेंशन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके माउस को, इस माउस के वायर को उस माउस से खतरा हो सकता है। तो आप समझ रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। और हाँ जी, चलिए ये तो इसकी प्रोज पता चल गई आपको। तीसरा मैं आपको यहाँ पे एक प्रोज बताऊँ, प्रो ये है इसका, ये कि इसमें आपको एक डेडिकेटेड बटन मिल जाता है DPI सेंसर के लिए, जो कि इसमें 4 लेवल का DPI है, और इसमें टोटली 5 बटन्स हैं और एक स्क्रॉल व्हील है। स्क्रॉल व्हील के साथ आपको एक बटन मिल जाता है, यानी कि आपको टोटल यहाँ पे 6 बटन यहाँ पे मिल जा रहे हैं। ये भी एक बहुत ही कमाल का चीज़ है इस बजट सेगमेंट में। और इसमें जो 2 बटन हैं वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बट लेकिन हाँ, और जो आपका लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक होता है और स्क्रॉल व्हील होता है, आप उसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते अपने हिसाब से, बट लेकिन हाँ सिर्फ 2 बटन को आप कस्टमाइज़ खुद के मतलब गेम के हिसाब से, आप जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आप कस्टमाइजेबल कर सकते हैं। और मैं आपको बात करूं तो इसके अंदर में ऐसा कोई भी डेडिकेटेड सेंसर नहीं बताया गया है कि ये माउस जो आपका मतलब ये माउस में ऐसा कुछ गेमिंग सेंसर नहीं बताया गया कि ये सेंसर वो सेंसर, वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल गेमिंग सेंसर। ये नॉर्मली हर एक बजट गेमिंग माउस में ऐसे लिख देते हैं,
क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि क्या बताऊं, क्योंकि हो सकता है वो चीप सेंसर यूज़ करते हैं जिसके वजह से कुछ ज़्यादा दिन ये सेंसर अच्छा काम नहीं करता है। ये लेज़र माउस है, ये आपके लिए एक प्रोज है, यानी कि आप इसे चाहे तो मतलब अपने हाथ पे रख के यूज़ कर सकते हैं, कोई टेबल पे रख के यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए आपको कोई पैड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस माउस के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी ये फ्लिपकार्ट पे आपको 599 रुपीज़ में मतलब अभी मिल रहा है, और मेरे हिसाब से ये जो प्राइस है इस माउस के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। यानी कि आप चाहे तो जब आप 599 यानी कि 600 रुपीज़ आप एक्सपेंस मतलब आप परचेस करने के लिए आप खर्चा कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई इस प्राइस रेंज के थोड़े से आगे पीछे में आपको बहुत सारे अच्छे गेमिंग माउस मिल जाएंगे, जिसमें कि एक बहुत ही अच्छा कमाल का डेडिकेटेड गेमिंग सेंसर होगा और ड्यूरेबिलिटी भी इससे डबल हो जाएंगे। क्योंकि फ्लिपकार्ट अभी जो ब्रांड है वो इतना कंप्यूटर लाइन में इतना ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं है, यानी कि ये माउस अभी जो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं ये इसमें कुछ इन लोगों को मतलब पहले से नॉलेज नहीं है, और जो पहले से मतलब जो जैसे रेड ड्रैगन हो गया, फिर रेड गियर हो गया, इन लोगों को मालूम है कि कस्टमर को क्या चाहिए और वो किस लेवल का अपना माउस को बिल्ड करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जैसे अभी यहाँ पे 600 रुपीज़ है, ये भी एक माउस बहुत अच्छा माउस है, बट लेकिन हाँ इससे भी कुछ बढ़िया माउस है, आप चाहें तो 100-200 रुपये खर्चे एक्स्ट्रा करके आप कुछ अच्छे माउस की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि आपका रेड गियर X12 प्रो है, वो एक बहुत ही अच्छा माउस है, यानी कि उसके अंदर एक बहुत ही कमाल का डेडिकेटेड गेमिंग सेंसर है, अवैगो 3022 करके, और चाहे तो आप एक और रेड गियर का A20 है, उसमें फुल्ली RGB कस्टमाइजेबल के साथ है, एड्रेसेबल RGB है, यानी कि उसका हर एक RGB को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने कंप्यूटर में। तो ये था कुछ प्रोज और कॉन्स ये फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई G40 सीरीज़ माउस का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि देखो भाई ये एक नया YouTube चैनल आया है, इसमें बहुत ही कमाल के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।